हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं शुभेंदु और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो वेब सीरीज के बारे में। ये जो दो वेब सीरीज है ये आज ही रिलीज हुआ है। एक है नीरज पांडे क्रिएटेड द फ्रीलांसर और एक है स्कैम 2003। दोनों ही बहुत एंटिसिपेटेड वेब सीरीज है, स्पेशली स्कैम 2003। और मुझे ये दोनों को लेकर इस वीडियो में बात करना है। अब आप पूछेंगे कि दोनों को एक साथ क्यों, क्योंकि ये जो दोनों सीरीज है ये दोनों ही बहुत अच्छा है और दोनों का डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब दोनों का डिसअपॉइंटमेंट एकदम सेम तरीके का है, इसलिए दोनों को एक साथ रिव्यू करेंगे। मैं पर्सनली बहुत इंतज़ार कर रहा था द फ्रीलांसर देखने के लिए, क्योंकि मुझे इसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था। ट्रेलर के अंदर जो सारे सीक्वेंसेस दिखाए गए थे, जो सारे लार्ज स्केल पे शूट किया गया था, जो सारे सीन्स थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं द फ्रीलांसर देखने के लिए बहुत बेचैन था। और पर्सनली मुझे मोहित रैना का एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्कैम तो है ही, स्कैम 1992 इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब शो है। इसी तरह से इसका जो सीक्वल है इसको देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा था मैं। तो ये मैंने दोनों ही देखा, दोनों के एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है जैसे मैंने बताया, तो वो बात करेंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि लगा कैसा। सबसे पहले बात करते हैं द फ्रीलांसर के बारे में। ये जो वेब सीरीज है ये एक टिपिकल नीरज पांडे वाला वेब सीरीज है। मतलब अगर आपने बेबी देखा है, नाम शवाना देखा है, तो बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। इवन स्पेशल ऑप्स का भी याद आ जाएगा आपको ये जो वेब सीरीज है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी बहुत अच्छा है। कहानी उतना ही है जितना आपको ट्रेलर में दिखाया गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कहानी बहुत आम है, बहुत ही जानी पहचानी एक कहानी है। लेकिन इसके होते हुए भी इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छा है, जो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अच्छा है। इस वेब सीरीज़ के अंदर जो सारे सीक्वेंसेस दिखाया गया है, जो डिटेलिंग दिखाया गया है, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वेब सीरीज़। इस शो के अंदर जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ता है ये आप नोटिस कर पाएंगे कि एकदम टिपिकल नीरज पांडे वाला ट्रीटमेंट है। विजुअल्स बहुत अच्छा है, कैमरा मूवमेंट बहुत अच्छा है, VFX बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से जो एज ऑफ द सीट ड्रामा है उसको क्रिएट किया गया है। थ्रिलर मोमेंट्स जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब अल्टीमेटली ये एक बहुत अच्छा शो है। अब आते हैं स्कैम 2003 पर। स्कैम 1992 ये जो शो था ये एक बहुत ही अच्छा शो था। सबसे पहले इस शो के अंदर जो चीज़ नज़र आता है वो है डिटेलिंग। इस शो का डिटेलिंग मतलब रिसर्च वर्क के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन डिज़ाइन ही नहीं। सिर्फ प्रोडक्शन डिज़ाइन तो अच्छा है ही, क्योंकि यहाँ जो ओल्ड बॉम्बे क्रिएट किया गया है बहुत ही डिटेलिंग के साथ किया गया है, बहुत बारीकी के साथ किया गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी ऑथेंटिक भी लगता है। अब आते हैं डिटेलिंग मतलब रिसर्च वर्क। जिस तरह से स्टैम्प पेपर स्कैम को इस्टेब्लिश किया गया है, जो रिसर्च वर्क है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसका मतलब परफॉर्मेंस की ओर। परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है। जिन्होंने अब्दुल करीम तेलगी के भूमिका में नज़र आए हैं वो उनका नाम है गगन देव। उनका मैंने पहले कभी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा है, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब फोड़ के काम किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का तरीका है, ये जो कैरेक्टर है ना ये मतलब बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है। इसका जो शातिरपन है ये इनके चेहरे पर झलकता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया है इस एक्टर ने गगन देव। मतलब उसके आंखें देखकर ही पता चलता है कि ये जो एक्टर है, ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही शातिर है। यही पे परफॉर्मेंस मतलब 100 out of 100 है। शो के स्क्रीन प्ले को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। मतलब हर एक एपिसोड जो है वो 45-50 मिनट करके हैं, लेकिन कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी आपको बोर्डम महसूस नहीं होगा। तो ये जो शोज़ है, ये दोनों शोज़ मतलब द फ्रीलांसर और स्कैम 2003, स्पेशली स्कैम 2003, इतने दिनों से लोग वेट कर रहे थे, फैंस वेट कर रहे थे कि स्कैम 92 का सीक्वल कब आएगा, ये वर्थ वेटिंग है। बहुत अच्छा लगा है मुझे ये शो। अब आते हैं डिसअपॉइंटमेंट की ओर। इस दोनों शो को बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया गया है। जो फ्रीलांसर शो है द फ्रीलांसर डिज्नी हॉटस्टार पर, ये इसका सिर्फ 4 एपिसोड रिलीज किया गया है। बाकी के एपिसोड्स कब आएगा ये कुछ भी बताया नहीं गया है। और स्कैम 2003 का सिर्फ 5 एपिसोड रिलीज किया गया है। बाकी के एपिसोड्स आएगा नवंबर के महीने में। मतलब सोचिए, अभी अगस्त चल रहा है, सेप्टेम्बर चल रहा है, अभी सेप्टेम्बर का 1 तारीख है और बाकी के एपिसोड्स आएगा नवंबर में। इतना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी स्कैम 2003 के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया कि बाकी के एपिसोड्स मतलब वॉल्यूम 2 नवंबर में आएगा। द फ्रीलांसर में तो इतना भी नहीं बताया गया है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड।
सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, जय सिनेमा।